गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और भाई फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबकी दुआ से भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, फुल ऑन मजे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा चैनल हो चुका है फाइनली रिकवर। रिकवर कैसे हुआ यार? क्योंकि देखो जो चीज़ें होती है ना, तो उस पर हमें मेल करना होता है। जैसे मैंने यूट्यूब को मेल किया, वहां से मेरे को रिवर्ट आया। रिवर्ट आने के बाद जैसे जैसे उन्होंने बोला, वैसे वैसे मैं करता गया, तो मेरा चैनल हो गया था रिकवर। और आगे के लिए उन्होंने मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ सेफ्टी स्टेप्स उन्होंने बढ़ा के दिए हैं मेरे को, जो कि मेरे को फॉलो करने हैं आगे के लिए। कभी भी ऐसे किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। तो गाइस कॉल आ गया था, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो भाई वो आगे से उन्होंने मेरे को कहा है, कभी भी ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और कोई भी अगर मेल आता है तो सबसे पहले यूट्यूब से कंफर्म करें, सबसे पहले उनके पास मेल करें, या फिर हम बात करें, या कुछ भी है जो भी यूट्यूब के असिस्टेंट्स होंगे उनसे हमें बात करनी है। तो ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखेंगे भाई, और कुछ स्टेप्स भी, प्रिकॉशंस भी लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो चलो गाइस मिलवाते हैं अब सबसे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं आया, तो दोपहर का हो चुका है, क्योंकि भाई आज था मेरा रेस्ट डे। और इधर है नतीशा जी का रेस्ट डे। तो इधर है नतीशा जी। नतीशा जी, आप तो एक तो अंधेरा करके लेट रहते हो रूम में। गुड मॉर्निंग नतीशा जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ इधर बैठ नहीं, जाते, आपके पास बैठ जाए हम आपके पास आज। बैठ जाओ, किसने मना किया? हाँ, खतरनाक जहरी औरत। तो नतीशा जी देख रही हैं भाई अपनी रील्स एज यूजुअल, क्योंकि इनको अपनी रील शूट करनी होती हैं, तो ये नई नई चीज़ें देखती रहती हैं, है ना। चलो मम्मी मामा से मिलवा देता हूँ आगे। भाई तेरा तो यही है, तू रील्स ही देखती रहेगी, क्या फ़ायदा, बोरिंग औरत। अच्छा, फिर क्यों आया? किसने कहा आने के लिए? ये कमरा तेरा ही नहीं है, कमरा मेरा भी है। फिर बोरिंग बोरिंग क्या कर जब तू रहा बोरिंग है तो तेरे को बोरिंग ही कहूंगा, और क्या, तेरे को ऋतिक रोशन कहूंगा। है? अच्छा, है अपना काम राजपाल करो, यादव। अपना काम करो, जाओ। तो इधर गाइस हो चुकी है मम्मी और परी की, तो भाई सोने की फुल तैयारी, क्योंकि भाई आप जैसे पता है कि हमारे घर में 11 बजती मम्मी की नींद आके अपने आप बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंद होना चालू हो जाती है। 11:30 तक आते आते मम्मी सो जाती है, और आज है परी की भी छुट्टी। तो भाई परी और मम्मी भाई अपना फुल ऑन मौज मार रही है अभी टीवी देखते देखते। दोनों क्या देख रहे हो टीवी में? ओहो मम्मी यार, हर जगह पैसा 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 पैसा, क्या करोगी इतना पैसा, कहाँ लेके जाओगी? देख रही हूँ कौन बने कौन बने करोड़पति। करोड़पति क्यों देख रही हो? करोड़पति नॉलेज बनने के लिए तो देख रही हो, पर आप करोड़पति तो पहले से ही हो मम्मी। नॉलेज बढ़ेगी ना देखने से, जो आन सब देख रहा हूँ तो। ओ अरे बस 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 बस, नॉलेज नॉलेज कुछ ना बढ़ा रहे आप, यूँ देख रहे हो कितने उससे कितने पैसे जीत सकते हैं एज यूजल भाई। और इधर पापा भाई सो चुके हैं, क्योंकि पापा भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी, मतलब पापा सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। और गाइज एक चीज़ मैं और डिस्कस करता हूँ, कल मैं पापा को लेके गया था स्पेशली, क्योंकि पापा का भाई थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आया था। कोलेस्ट्रॉल नहीं आया था, कोई कुछ ट्राइग्लाइकेराइड कुछ करके होता है, वो हाई आया था, और काफ़ी ज़्यादा वेरी हाई आया था। फिर हम मैं तो टेंशन में आ गया था बहुत ज़्यादा, फिर मैं पापा को फटाफट लेके गया डॉक्टर के। डॉक्टर ने फिर हमें बताया कि आप लोगों की गलती नहीं है, ये टेस्ट करने वाले की गलती है, क्योंकि उसने आपको फास्टिंग में टेस्ट करना था और आपने ये मील लेने के बाद टेस्ट कराया, तो ये हाई आना ही था। तो आप कल दोबारा टेस्ट कराइएगा। ऑफकोर्स बढ़ा हुआ है, पर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो एक होता है मतलब एवरेज, एक होता है हाई, एक होता है वेरी हाई। तो पापा का आया हुआ था भाई वेरी हाई, तो उस चीज़ के लिए भाई फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप कल दोबारा टेस्ट करा के आइएगा। तो भाई मैंने आज से पापा की पूरी डाइट में चेंज कर दिया है। डाइट में चेंज इन द सेंस, पहले पापा सुबह खाना खाते थे सीधा चपाती खाते थे बंद, अब से पापा बॉयल्ड एग खाएंगे और काओ मिल्क लेंगे। उसके बाद दिन में पापा अपनी मील लेंगे, मील के साथ कोई भी एक फ्रूट लेंगे, शाम को फिर से कोई भी एक हाई फाइबर फ्रूट लेंगे, और रात को फिर अपनी मील लेंगे। ठीक है नीतू, मील का ध्यान तेरे को रखना है, पापा की मील का ध्यान, ठीक है? जो एग्जैक्ट मैंने बताई है वही की वही मील देनी है। आज है परी के स्कूल में 15 अगस्त डे, जैसे कि परी पहन के आई भाई पूरा व्हाइट। और अभी जा रहा हूँ भाई मैं परी को छोड़ने, देखते हैं अब डुगू क्या पहन के आता है। कल था डुगू का बर्थडे, तो थोड़ी देर डुगू की फिरकी लेंगे भाई, ठीक है? तो फटाफट से लेते हैं डुगू को, मतलब समर्थ को। आज है गाइस 11 का स्कूल में हैंड पेंटिंग डे और थंब पेंटिंग डे जो भी है, तो अभी 11 बना के दिखाएगी। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, मैं और नीतू, हमें जाना है डॉक्टर के, क्योंकि आज हमारी भाई नीतू की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, जो गाइनो है उनके साथ अपॉइंटमेंट है, जो कि रेगुलर चेकअप होता है, और शायद एक आज शायद अल्ट्रासाउंड भी होगा ना। तो एक होना है भाई अल्ट्रासाउंड,
अपना, तो चलते हैं और कराते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बताती है। और भाई आज फाइनली मेरे को देखने को मिलेगा बेबी को, तो एक्साइटमेंट पूरी पूरी है। तो चलते हैं देखते हैं कैसा क्या दिखता है ना, नहीं तो भी आज देखेंगे पहली बार। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है, फिर आप लोगों से डिस्कस करते हैं। हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि ना, हम लोग यहाँ पे आए हैं और पेशेंट कोई भी नहीं है, खाली है। आज हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, पूरा का पूरा खाली है अभी, हमारा ही नंबर है। सेकंड मौज हो गया दोस्तों, वरना एक एक घंटे की वेटिंग होती है यहाँ पे। तो गाइस हमेशा की तरह भाई मैं हो चुका हूँ फुली लेट, मेरे को जाना है भाई क्योंकि ऊपर अपने घर पे भी बर्थडे है नन्ना का, और भाई जिम पे इतना टाइम लग गया क्योंकि गुजरा है लेट। और भाई घर से फोन पे फोन मम्मी के पापा के नीतू के, क्योंकि भाई वो मेरा वेट कर रहे हैं, बिना मेरे वो भाई केक काटेंगे नहीं। चलते भाई फटाफट से, जिस भी दिन जल्दी होती है ना उस दिन जरूर लेट होता है, उस दिन जरूर ट्रैफिक मिलता है। वरना कितनी बार रात को मैं इसी टाइम जाता हूँ जिम से, भाई नहीं मिलता ट्रैफिक बिल्कुल भी। आज मेरे को जल्दी है ना तो आज इतना ट्रैफिक मिल रहा है जिसकी कोई याद नहीं है। और भाई वो भैया का भी फोन आया कि राहुल भाई हमने आपको टाइम दिया इसलिए आप जान के लेट कर रहे हो, अगर हम टाइम नहीं देते तो आप इस टाइम तक आ जाते। अरे मैंने कि भैया जिम पे भी एक फ्रेंड का बर्थडे था, वहां भी जाना जरूरी था, तो भाई वो वेट कर रहे हैं, फटाफट से चलते। मैंने तो उनको कहा भैया आप इतने केक काट लो, भैया बोले नहीं। मैंने कि भैया कोई नहीं काट लो, इतने केक कोई वो थोड़ी है कि भाई मेरा ही वेट करना, मैं कोई वीआईपी थोड़ी हूँ। भैया बोले नहीं आ जाओ आप फिर भी आ जाओ। तो वैसे मैंने उनको बोल दिया अगर काट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से अभी भी मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे। बाकी चलो मिलते हैं आप सीधा घर ही। चलो फुली मेरा वेट कर रही थी कब से, वाइट 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 हो रखी है। और चलो ऊपर दिखाते हैं हम कैसे क्या है। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, आ जा मैडम जल्दी आ जा, चल तू तो धीरे धीरे आ जा। और इधर किचन में कोई दिख नहीं रहा मेरे को। नन्ना को मिली है फाइनली बुलेट बाइक गिफ्ट, क्योंकि नन्ना को चाहिए थी बुलेट। और भाई दिखाऊंगा एक नंबर की बुलेट है भाई, फाइनली रिवील करते हैं नन्ना की बुलेट। तो ये है भाई नन्ना की बुलेट जो उसको मिली है। भाई नन्ना राजी नंबर के बाद जब बाइक जब मिलेगी, जब तेरा लाइसेंस बन जाएगा फिर मिलेगी, ठीक है। कोई नहीं अच्छी बात है ना। इधर इधर तेरे को बाइक तो मिली गई, ये देख इसको चलाऊंगा कैसे, इसके ऊपर बैठ बैठ जाएगा फिट आ जाएगा, बड़ी आएगी इसके ऊपर, नहीं तू भी आ जाएगा। एक सीट और बना, और एक ही सीट है इसमें वैसे भी, एक सीट और तो एक ही चलाएंगे। अच्छा जी अंकल एक सेकंड इधर देखोगे अंकल क्या क्या है भाई चुका है अपना खाना, खाने में क्या क्या है यो देख भाई। सबसे पहले मैडम खाने में भाई, ओ दाल मखनी दिखा भाई मेरी फेवरेट दाल मखनी। और इधर है पनीर शाही पनीर, ये मिक्स वेज, ये भाई सैलेड अपना, ये क्या चटनी है किस चीज की पता नहीं, तो भाभी बताएगी। हाँ बस अब कर लेना। ये देखो भाई परी मैडम, मैं इसको लाई हूँ बाहर घुमाने के लिए क्योंकि आयु आया हुआ है। और ये मैडम जो है ना, इसने उसके ऐसा नाक में दम लाया हुआ है, इसने उसके ऐसा नाक में दम लाया हुआ है कि मानती नहीं है कि बस भैया 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 उसको परेशान कर दिया है। तब मैं इसको बाहर लेके आई हूँ कि चल तुझे थोड़ी देर बाहर वॉक कर आती हूँ। और ये देखो ये सामने है राध्या, ये जो इन डॉगीज को दूध डाल रही है, खाना डाल रही है, इनको आदत पड़ गई है पता है यहीं पे रहने की।
ये जाती नहीं है अब, कितना ही मना लो इनको ही नहीं जाते। और हाँ हाँ, क्योंकि इनको अब ना यहीं रहने की आदत पड़ गई है। और इसको ये है कि अभी मुझे छोड़ दो मम्मा, मुझे छोड़ दो, मुझे डोगी से हेलो करके आना है। हेलो हाँ, उनको टच करके आना है। हैं गंदी बात, गंदी बात, ऐसा नहीं करते। ओके पहले तो नहीं आयोगे जिन, आराम किया हुआ अंदर। चल वॉक कर ले, थोड़ी सी मेरी भी वॉक हो जाएगी। चलो